Assalamualaikum, वेलकम बैक टू शिला सजेशन। आज के आबार हाजिर हुए छे नतुन एकटा भिडियो निये। आजकेर भिडियो जे लक्षण देखले बुझबेन नर्माल डेलिवरी होबे, एमन किछु विशेष लक्षण आजके तुले धरबो जेगुलो देखा मात्रई निःसन्देहे भाबते आपनी नर्माले बाच्चा प्रसव करते चलेछेन। ताछाड़ा केन आपनार नर्माल डेलिवरी बेचे नेवा उचित, एमन कि कादेर नर्माल डेलिवरी होवार चान्सेस अनेक बेशी थाके, सबकिछुर विस्तारित आलोचना थाकछे भिडियोते। ताई शेष पर्यन्त देखुन, भालो लागले चैनलटिके सबस्क्राइब करते भूलबेन ना। आमादेर सबारई जाना नर्माल डेलिवरी होच्छे बाच्चा प्रसव करार स्वाभाविक पद्धति, जेखाने बाच्चाटी स्वाभाविक पद्धतिते जौनिर मध्य दिए जन्मग्रहण करे एबं डाक्ताररा कोनोभावे हस्तक्षेप करे ना। तबे आजकल ए धरनेर पद्धतितेओ गर्भवती महिलादेर किछु औषध देवा हय जाते प्रसव जंत्रणा कमे। तबे एक कथा जेने अबाक होवार किछुई नेई, एकजन नारीर शरीर एमन भावे तैरी जाते कोनो रकमेर ओषुध छाड़ाई जदि आपनार तेमन शारीरिक भावे समस्या ना थाके ताहले नर्माल डेलिवरी करानो सम्भव। आगेई बोलेछि एखनकार बेशिरभाग डक्टररा पेनकिलर कमानोर नामे अनेक धरनेर ओषुध दिये थाके, जार फलस्वरूप गर्भवतीके सी सेक्शन बा सीजारेर माध्यमे बाच्चा डेलिवरी कराते हय। तबे एकजन गर्भवती हिसेबे आपनार प्रथम पछन्देर तालिकाय नर्माल डेलिवरी थाका उचित, कारण नर्माल डेलिवरिर फले आपनि एबं अनागत सन्तान दीर्घमेयादी सुफल पाबेन। तबे हयतो बा अनेकेरई जाना नेई एइरकम किछु लक्षण जा देखले बुझते पारबेन आपनार नर्माल डेलिवरी होवा सम्भव। एखन आमरा सेगुलोई तुले धरबो। एखन आमरा जानबो नर्माल डेलिवरिर सम्भावनाके बाड़िये तुले एमन किछु विशेष लक्षण सम्पर्के। प्रथमत, आपनार जदि आगे नर्माल डेलिवरिर माध्यमे सन्तान हये थाके सेक्षेत्रे आबारो नर्माल डेलिवरी होवार चान्सेस बेड़े जाय। ताछाड़ा आपनी जदि शारीरिक भावे कोनो समस्या बा रोग जेमन डायबिटिक्स, हाँपानी, उच्च रक्तचाप एई धरनेर समस्या ना थाके ताहले, ताछाड़ा आपनार ओजन जदि ठीक थाके, कारण अनेक समय देखा जाए मायेर ओजन बेशी थाकले गर्भेर बाच्चार आकार एबं ओजनो अनेक बेशी बेड़े जाए, सेक्षेत्रे नर्माल डेलिवरी चान्सेस कमे जाए। किन्तु जदि बाच्चार ओजन सहनीय थाके सेक्षेत्रे नर्माल डेलिवरी चान्सेस बाड़े। ताछाड़ा आपनार बयस जदि बेशी ना हय माने 35 बछरेर नीचे थाके, नर्माल डेलिवरी होवार विशेष लक्षणेर मध्ये अन्यतम होच्छे गर्भावस्थार शेषेर दिके विशेष करे 37 सप्ताहेर आशेपाशे आपनि खूब बेशी शारीरिकभावे अस्वस्ति बोध करते पारेन। तार साथे आपनार स्तनेर फुला बा बेड़े जाबे, स्तन भारी भारी मने होते पारे, हालका ब्यथाओ होबे। अनेक समय देखा जाए आपनार स्तन थेके कोलेस्ट्रल नामक सादा तरल बेर होते थाके कन्टिन्यूसलि। ताछाड़ा गर्भावस्थार शेषेर दिके विशेष करे 30 थेके 34 सप्ताहेर मध्ये आल्ट्रासाउंड करे जदि देखा जाए बाच्चार पजिशन सिफालिक अवस्थाने आछे माने बाच्चार माथा नीचेर दिके आछे, ताहले बुझे नीते होबे नर्माल डेलिवरी चान्सेस अनेक गुण बेड़े गेछे। पुरो गर्भावस्था जुड़े मायेदेर अनेक बेशी जौनिस्राव बृद्धि पाय, सेक्षेत्रे जौनिस्राव शुधु सादा होबे, किन्तु शेषेर दिके जौनिस्राव सादा हालका गोलापी रंगेर एमनकि रक्त मिश्रित होते पारे। एटा किन्तु भयेर किछुई नेई, एटा सुस्थ एबं स्वाभाविक गर्भावस्थार चिह्न जा नर्माल डेलिवरी चान्सेस बाड़िये तोले। नर्माल डेलिवरी लक्षण स्वरूप अन्यतम होच्छे शेषेर दिके घन घन मलत्याग होते पारे, कारण बाच्चार माथा नीचेर दिके चले जावाय मूत्राशयेर चाप पड़बे। अनेक समय देखा जाबे बाथरूमे जाओयार पोरे आपनार हयतोबा प्रस्राव होलोई ना, किन्तु आपनि अनेक बेशी चाप अनुभव करते पारेन। नर्माल डेलिवरी होवार पूर्व लक्षण हिसेबे धरा हয় আপনার পানির থলি ভেঙে যাওয়া। অনেক সময় পানি অনেক আগেও ভেঙে যেতে পারে, তবে যদি শেষের দিকে ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে নর্মাল ডেলিভারি হতে পারে। তাছাড়া তলপেটে গরম ভাব অনুভব করতে পারেন, পেশি সংকোচন অনেক গুণ বেড়ে যাবে, পেশি সংকোচন 40 সেকেন্ড থেকে 60 সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তাছাড়া তীব্র পিঠে বা মাজায় ব্যথা হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে যোনি থেকে হালকা রক্তপাত হতে পারে। যদি এই ধরনের কিছু লক্ষণে আপনি সম্মুখীন হয়ে থাকেন তাহলে বুঝে নিতে হবে আপনার নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি। এরকম লক্ষণগুলো দেখলে বাড়িতে খুব বেশি সময় নষ্ট না করে পার্শ্ববর্তী কোনো হাসপাতালে চলে যাবেন, যেখানে নর্মাল ডেলিভারি সহ
প্রয়োজনে সিজারিয়ান সেকশন করার মতো সকল সুযোগ সুবিধা এমনকি ডাক্তার রয়েছে। আশা করছি ভিডিওটা দেখে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন, নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার চান্সেস প্রায় 85% মহিলাদেরই থাকে। আপনি চাইলেই সেই 85% মধ্যেই পড়তে পারেন। শুধুমাত্র নিজে একটু সাহস রাখবেন, এই লক্ষণগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিবেন এবং ডাক্তারের কথা মতো চলবেন। আপনার এবং অনাগত সন্তানের সুস্থতা কামনা করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।